हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ हिना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिना की दुनिया। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ पालक पनीर की रेसिपी। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। और अब हम डालेंगे पनीर के क्यूब्स। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर का यूज़ किया है और इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे बिल्कुल हल्का सा। तो ये देखिए पनीर फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब हम पालक पनीर के लिए मसाला रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हम ले लेंगे ऑयल और उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और 8 से 10 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और हम डालेंगे 2 हरी मिर्च और अब हम डालेंगे 1 रफली चॉप किया हुआ प्याज और इसे हम 1 मिनट के लिए चला लेंगे। और अब हम डालेंगे 1 टमाटर रफली चॉप किया हुआ और अब हम डालेंगे नमक ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए ये ठंडा हो गया है, तो अब हम इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। पेस्ट रेडी हो गया तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। और यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई, जिसमें अब हम डालेंगे पानी और जब पानी बॉयल हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे पालक के पत्ते और इसे हम 2 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। और 2 मिनट हो गए हैं तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम छान लेंगे। और अब इसे हम डालेंगे बर्फ के पानी में ताकि जो पालक की कुकिंग है वो इंस्टेंट रुक जाए और इसका कलर भी बरकरार रहे। और अब हम पालक को छान लेंगे और इसे हम मिक्सर जार में डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए पेस्ट भी रेडी हो गया, तो अब हम ले लेंगे कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च और 1 टीस्पून जीरा और इसे हम इस तरह से चला लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे पिसे हुए मसाले जो हमने रेडी किए थे और इसे हम भून लेंगे। और अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। और अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सबको अब हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट हुए हैं मसाले को भुने हुए और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मसाला जो है वो भुनकर रेडी हो गया है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे पालक का पेस्ट जो हमने रेडी किया था और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे यहाँ पर पानी, तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी का यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी। और इसमें अब हम एक बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर जो है वो अच्छे से बॉयल आ गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे पनीर के क्यूब्स जो हमने फ्राई किए थे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसे अभी हम धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो पनीर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हम डालेंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम, या फिर आपके पास अगर घर की ताज़ी मलाई हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो पालक पनीर है वो बनकर रेडी हो गई है, तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर लें और इसे अब हम सर्व कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स, पालक पनीर बनकर रेडी हो गई है। तो आप इसे घर पे बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू।